हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल फिर से घर में इतनी बड़ी छिपकली निकली थी, वो पूरा मैंने भगाया। ये स्विच बोर्ड वगैरह जो भी है वो सैनिटाइजर से साफ करे तो बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। कल इंद्रा ने साफ करके दिया मुझे सब स्विच बोर्ड और ये चिमनी वगैरह। फिर उसके बाद शाम को मैं आई तो देखी, एक छिपकली फिर से दिखी मुझे। मेरा इतना दिमाग खराब हो गया। फिर मैंने झाड़ू से पूरा उसको बाहर निकाला। छिपकली देख के बहुत ही कैसा हो जाता है एकदम। अब अभी मैं बना रही हूँ खाना। खाने में बना रही हूँ आलू और बैंगन की सब्जी। मुझे बैंगन आलू की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही फेवरेट है मेरी। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई में डाला तेल, तेल में डाला फिर लहसुन की कलियाँ, इसमें मैंने डाली बड़ी, थोड़ी बड़ी भी डाल दी मैं इसमें, उड़द दाल की जो बड़ी रहती है वो। और उसके बाद मैंने डाला इसमें आलू, आलू बॉइल्ड था वही वाला मैंने छिल करके डाल दिया। उसके बाद इसको अच्छे से सेक लेंगे तेल में, अच्छे से सिकने देंगे। और उसके बाद मैंने डाला बारीक बारीक कटा हुआ टमाटर। उसके बाद टमाटर को भी अच्छे से सिकने देंगे। ये टमाटर ढक दिया था, उसके बाद ये देखिए अच्छे से सिक गया टमाटर। अब उसके बाद इसमें बैंगन डाली हूँ, जो हरे वाले बैंगन रहते हैं ना वो वाला बना रही मैं। ये मैंने डाल दिया बैंगन। बैंगन को भी अच्छे से सेक लेंगे। आलू बड़ी बैंगन टमाटर मेथी भाजी वगैरह भी डाल सकते हैं अगर डालना चाहे तो। अभी ठंडियों के दिन में सब्जी बहुत आते हैं, वैरायटी बहुत रहती है। अब ये ढक करके फिर मैंने थोड़ी देर रहने के बाद फिर से खोल के देखा, बैंगन भी थोड़े गले हैं। अब मैं इसमें रेगुलर मसाला, नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर ये सब मैं डाल दूंगी। और उसके बाद फिर थोड़ा पानी डाल करके पकने दूंगी। ये आलू बैंगन और बड़ी की सब्जी बन करके तैयार हो गई। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बना था। अब मैं ओटा वगैरह साफ कर ले रही हूँ, जो खाना बनाने के बाद एज यूजुअल जो सब काम करना पड़ता है वही ओटा क्लीनिंग।
अभी मेरा ओटा वगैरह भी क्लीन हो गया। अभी मैं मटके में पानी भर लूँगी, मुझे गंजी में निकालना है भरने के लिए। मटके का पानी अब ठंडा लगता है, ठंडी पड़ने लगी है। आज मैंने गंजी भी निकलवाई हूँ, अब उसमें भर के रखा करूँगी, मटके से नहीं भरूँगी। अभी देखो मेरा ओटा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। अब ये सब आलू प्याज की टुकड़ी वगैरह सब उस जगह पर रख देती हूँ। ये सब डब्बे धुलवाए थे, उसको भी फिल करके जो जो सामान उसमें रखने का है वो रख करके मैं रख देती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है गाइस, आप ज़रूर बताइए। आपको थोड़ा भी इससे मोटिवेशन मिलता हो तो कमेंट में लिखिए। आप लोग प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। आप लोगों के एक कमेंट लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मायने रखता है। प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए। ये देखिए अभी मैं चावल मंगाई हूँ तो चावल भी इसमें डाल के रख देती हूँ। मेरे यहाँ पे कोई आने वाले हैं उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ये सब तैयारियाँ कर रही हूँ। गैस कीजिए कि कौन आने वाले हैं। वो गुंडी को निकाल के धोते तो उसे अभी इंदिरा मुझे गंजी निकाल के दे रही है जिसको वो धो कर के दे देगी, फिर मैं उसी में पानी भरूंगी। अभी मटके में नहीं भरूंगी, उसके लिए वो ऊपर से मुझे गंज निकाल दे रही है और ये डिब्बा मैं खाली कर ले रही हूँ। जो थोड़े से बिस्किट कुकीज़ और टोस्ट वगैरह है वो सब डब्बे में रख ले रही हूँ। अब मैं मंदिर की साफ सफाई कर रही हूँ। मंदिर की भी सफाई मुझे बहुत दिनों से करना था, आज मैं कर रही हूँ। आज पूरा डीप क्लीनिंग करूँगी, पूरे भगवान को मैंने निकाल के फिर अच्छे से पूरा मंदिर पूरा पोछ करके फिर जो मैं ग्रीन कलर का नया कपड़ा लेकर के आई थी वो मैं बिछाऊंगी और उसके बाद सभी भगवान को नहला के वस्त्र पहना करके रखूँगी। ये वाला कपड़ा मैं लेकर के आई थी, मैं ब्लाउज पीस ही लेती हूँ और वही अच्छे से पूरा मेरे मंदिर में फिट हो जाता है। आसन है जो मैं मथुरा गई थी तो लेकर के आई थी ये सिंहासन सब। वो सिंहासन में मैं गणपति जी बाल गोपाल को बैठाऊंगी और ये जो सुपारी रहते हैं उससे गौरी गणेश और कुल देवी ऐसा रखी हूँ बहुत सालों से, तो वो वैसी के वैसे सब मैं रख दूंगी। वही सोच रही थी कौन से कलर के वस्त्र पहनाऊँ करके, फिर रेड या पिंक ऐसा कुछ पहनाई मैं।
अभी पूजा भी कर ली हूँ। आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। ये हो गए पूरे मंदिर की सफाई, वापस से भगवान सब बैठा दिए, दिया बाती सब हो गया। अभी मेरी पूजा हो गई। आज पूरा मंदिर, मैं कई दिनों से बोल रही थी पर आज मुहूर्त निकला, आज मैंने पूरा मंदिर साफ किया है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना फैलान हो जाता है। ओम गजाननाय नमः। ये देखिए, ये सब फैल जाता है। मैं ये मसाले का डब्बा है उसको अच्छे से धुलवा करके, वो टप्परवेयर का डब्बा है तो ये स्टील का डब्बा मेरा खाली था, तो फिर इसमें मैंने एक में गोल बाती, एक में लंबी बाती, एक में धूप बाती, ऐसे करके पूरा मैंने उसमें अच्छे से रख लिया है कि एक डब्बा खोलो तो सभी सामान मिल जाते हैं। और ये सब धोने के हैं, वो सब मैं ऐसे धोने में रखूँगी। ये सब चीज़ों को वापस जगह पे अच्छे से रख दूंगी। बनाऊंगी अपनी सबसे फेवरेट चीज चाय। अभी मैं चाय बना करके पीऊंगी। पूजा वगैरह करने के बाद मेरी आदत है कि थोड़ी सी आधी कप से भी कम चाय पीने की, अभी मैं वो पीऊंगी।